हेलो एरीज, एरीज यानी मेष राशि में सुरेश गौत्र प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। सिंगल्स होने के कारण जो सिंगल हैं या विडो पर हैं या डाइवोर्स ही रहे लेकिन अपने आप को सिंगल ही मानते हैं चाहे कोई भी रीजन रहा है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। इसमें सबसे और आप सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। 11 से 18 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें आपका रिसेंट पास देखेंगे, प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे और नया पर्सन इन दिनों लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास्ट पर्सन से अगर आप डील करते थे, लव रिलेशन में थे तो दूरियाँ बन चुकी हैं तो वो वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम मैसेज या गाइडेंस देखेंगे। तो देख लेते हैं रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहेगा रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों में स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी गाइस। तो हालांकि इस रिश्ते में आपको काफ़ी दुख तकलीफ हुआ है, अभी भी किसी दर्दनाक आप हादसे से गुजरते दिखाई दे रहे हैं जो आपका रिसेंट पास्ट बीता है। ऐसी एनर्जी रही है कि जिसको आपने प्यार किया, जिस पर आपने भरोसा किया, यकीन किया, उन्होंने ही आपको दुख तकलीफ दिया, उससे आप जूझते दिखाई दिए हैं पास्ट में। लेकिन रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि चाहे आपके साथ कितना ही कुछ भी उन्होंने किया, कुछ भी किया हो, ऐसे जगह पर आप ने जाने की कोशिश की जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, आपकी भावनाओं को समझा जा सके और उन चीज़ों को, उन गिले सिकुओं को, उन प्रॉब्लम को ख़त्म करते हुए नए सिरे से इस उम्मीद के साथ कि जैसे अंधेरी रात के बाद फिर से छटना होता है, फिर से दिन होता है और जब रात के बाद दिन निकलता है तो सूरज अपनी पूरी रोशनी के साथ रोशनी ही रोशनी कर देती है, दिन निकलता है और अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है और अपनी रोशनी बिखेर देती है। तो उसी तरह अगर आप दुख के बाद सुख आ सकता है, फिर से रिश्ता ठीक हो सकता है, इस उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप इसके लिए अभी भी कोशिश करते कर रहे हों तो वहाँ आपने एक उम्मीद दिख वहाँ आप में एक उम्मीद दिखाई दी कि अगर आप कोशिश करेंगे तो दुख के बाद सुख जरूर आएंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत की तरफ आप बढ़ते दिखाई दिए हैं। आपका प्रेजेंट देख लेते हैं, प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है, प्रेजेंट में आप क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, जी हाँ, आप सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपको लगता है कि जो गलतियां हुई हैं उसे एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है जानी चाहिए और अगर आप बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे एक दूसरे के साथ, एक नए सिरे से, एक नई सोच के साथ, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ, नई भावनाओं के साथ, तो उस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए जो रिश्ते में पहले प्रॉब्लम दे रही थी तो उनको ख़त्म करते हुए एक दूसरे के साथ चैटिंग करना, एक दूसरे से बातें करना, गेट टुगेदर करना, पिकनिक पर साथ में जाना, कहीं ऐसी जगह पर जाना जहां आपको खुशी मिल सके, तो उस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। यानी कि नए सिरे से फिर से आप जो प्रॉब्लम आ चुकी थी उसको ख़त्म करते हुए नए पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। नए इस समय आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एक नए जोश के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई तरंग के साथ, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो आपके साथ पहले से रही है। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। एक फिर से नई शुरुआत की तरफ आप बढ़ रहे हैं, नई शुरुआत आपकी हो रही है, तो आगे बढ़िए, धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं आगे
अगर नया पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी? अगर कोई लाइफ पार्टनर बनने के लिए नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रह सकती है? फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो हो सकता है कि जिस पर्सन से को आप चाहते हैं अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए नई एनर्जी के रूप में, तो हो सकता है कि उसको आप पहले से जानते हो, या फिर किसी ने आपको प्यार में धोखा दिया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है, आप अभी हीलिंग करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, आपको लगता है कि अगर आप रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे तो धीरे धीरे करके आप दोबारा से एक बिगनिंग और शुरुआत करेंगे, तो रेस्ट के बाद आप नए पर्सन के रूप में नया पार्टनर लाइफ पार्टनर बनाने के रूप में रेस्ट करते हुए, आराम करते हुए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। जो भी पर्सन है जिससे भी आप प्यार करते, क्योंकि आपको लगता है कि जो भी पर्सन जिसको भी आप जानते थे वो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई सहेली हो सकता है, जिसको आप सहेली के रूप में या फ्रेंड के रूप में पहले से जानते थे, लेकिन अभी आप उसको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में, अपना जीवन साथी बनाने के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको उनका जो भी वो पैशन के साथ, जुनून के साथ काम करते हैं या जिस भी अंजाम देते हैं वो अंदाज आपको बहुत रास आता है, बहुत पसंद आता है, आपको लगता है कि जिस काम को करते हैं वो बहुत खूबसूरती से करते हैं और हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, धुन में रहते हैं, कभी भी उनके चेहरे पर कोई गिला सिकवा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसलिए अभी उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपने लाइफ पार्टनर के रूप में अभी आप हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में हैं, अभी आप रेस्ट करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, उसी पार्टनर को आप अपने नए पार्टनर के रूप में एक बिगनिंग, एक शुरुआत के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आप पहले रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, ताकि जो भी परेशानी, जो भी दुख तकलीफ आपकी लाइफ में रहा है उसे आप भुला सकें और आपका रिश्ता आगे सॉलमेट हो सके, कामयाब हो सके। तो अभी नए रिश्ते में जाने की कोई एनर्जी इतनी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई नहीं दे रही है, अभी आप हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में दिखाई दे रहे हैं, तभी आपकी बिगनिंग और शुरुआत होगी। अभी कह सकते हैं कि कम से कम 4 से 5 दिन का समय लग सकता है, उसके बाद अगर आप हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो जिससे आप प्यार मोहब्बत करते थे उससे आप बातें कर सकते हैं, शायद वहाँ आपकी बात बन सकती है। देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं या लव रिलेशन में थे या जो भी प्रॉब्लम रही है, आप उससे रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं, तो वो वापस आने की क्या एनर्जीज हैं? टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रहे हैं कि जिससे आपका पहले रिश्ता रहा है, जिससे आपका संबंध रहे हैं, आप क्रॉस मार्क पर हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हैं, आप हैंग हो चुके हैं, आप ना तो दिल से काम ले रहे हैं ना तो दिमाग से काम ले पा रहे हैं, क्योंकि आप कभी पास्ट के बारे में सोच रहे हैं तो कभी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जो भी रिश्ता आपका रहा है इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि या तो ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं या पैसे को लेकर प्रॉब्लम रही है, तो इसलिए आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जो अभी जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है अभी भी नेगेटिव दिखाई दे रही है, जब तक आप रुक कर ठहर कर सोच विचार करके डिसाइड नहीं करेंगे, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं करेंगे, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, तब तक किसी तरह से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर पहले आपको एक दूसरे पर बिलीव करते हुए पैसे पर या उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जिस चीज़ के लिए ये रिश्ता खराब हुआ है, तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। अभी एनर्जी
सही नहीं है, अभी आपका आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो पास्ट पर्सन की जो एनर्जी है काफ़ी परेशानी भरी अभी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि पहले आप अपने वाणी पर कंट्रोल कीजिए। जो तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, मुँह फट रहते हैं, तो सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, रिश्ता खराब होता है, उससे दुख के बादल मंडराते हैं। तो पहले उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए, तभी आप बिगनिंग और शुरुआत कीजिए। एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई बिगनिंग कीजिए, एक शुरुआत, तभी आपकी कामयाब होगी। जब आप बजाय के इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ करेंगे तभी आप स्टेबल होंगे, तभी आप कामयाब होंगे। या फिर पहले आप वहाँ पर स्टेबल होइए, अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर ध्यान दीजिए, पैसे, प्रॉपर्टी पर ध्यान दीजिए। वहाँ अगर आप पैसे से स्टेबल होंगे, आपके पास घर होगा, पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, सारी चीज़ें होंगी, तो रिश्ते को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, कामयाबी होगी। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप वाणी पर कंट्रोल करते हुए तीखा नहीं बोलते, कड़वा नहीं बोलते, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, तो रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। अदरवाइज़ अगर आप इंसानों को, चीज़ों को यूज़ करने के बजाय इंसानों को यूज़ करेंगे, तो दुख तकलीफ फिर से आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तभी बिगनिंग कीजिएगा, तभी शुरुआत कीजिएगा, तब आप उसके लिए प्रिपेयर और रेडी हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।